अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अभी शारजा में मौजूद। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, शारजा बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और अभी मैं रोहताना की तरफ हूँ, मतलब बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जो है वो रेस्टोरेंट है, होटल है। तो अभी चलते हैं, म्यूजियम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बहुत गर्मी तो है, पर आप यूएई में हो और गर्मी ना हो तो फिर क्या मजा है। तो एक्सप्लोर करते हैं गर्मी में भाई, चीजें देखने बहुत ही खूबसूरत। हमारा रेस्टोरेंट, हमारा क्या मतलब है, तो ऐसे कह रहा होता हूँ, हमारा सर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और बहुत यहाँ पे ख्याल करते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती हैं यार इंसानों के लिए। बहुत इज्जत है इंसान की, इधर पाकिस्तान में इतनी इज्जत नहीं है इंसान की। गाड़ी वाले बड़ी गाड़ी हो इस पर ही तो उड़ा देते, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है। और अभी आजकल वैसे मतलब जो है ना, सिविलाइजेशन का बहुत ही सिविलाइज कंट्री है। और आई रियली अप्रिशिएट फिर से शारजा की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज है माशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद रहकर यार असल में इतना मुश्किल तो नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल पेश आ रही है शारजा म्यूजियम तक। यहाँ पे तो किसी ने बोला यहाँ पर ही है। ओहो, ये बिल्डिंग तो मैं शुरू से ही परेशान था। सर कैन यू टेल मी वेयर इज शारजा म्यूजियम? इधर। थैंक यू थैंक यू। ये देखें, ये है हुनर का शाहकार। ये जो पेंटिंग्स हैं, मिलियंस ऑफ दरम्स की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स हैं। और ये शारजा का आर्ट्स एंड कल्चर का मतलब जो है पूरी फाउंडेशन है। उनका एक म्यूज़ियम है जो बहुत ही खूबसूरत और आर्टिस्टिक मतलब जो है ना, एक थीम के साथ ये बनाया गया है म्यूज़ियम। ये बिल्कुल रोला के करीब है, आप आना चाहें आ सकते हैं। और विथाउट एनी चार्जेस आप यहाँ पे आ सकते हैं। यू हैव मस्ट रजिस्टर योर सेल्फ हेयर। आप रजिस्टर करेंगे, आपको एक जो है टैबलेट के थ्रू, आईपैड के थ्रू आपको रजिस्टर करेंगे। और आप देख सकते हैं ये एक कमाल का मतलब, अगर कोई आर्टिस्ट है जो कि देखे कि जो आर्ट को समझता है, यकीन जाने पूरा दिन जो है आप एक एक पेंटिंग को देखकर गुजार सकते हैं। इतनी डिटेल्स, वाह क्या बात है। और बहुत ही मतलब ये गैलरीज बनी हुई है। ये टिकट है जो उन्होंने मुझे दिया है बारकोड के साथ, वाईफाई का पासवर्ड भी दिया। और मैंने बताया कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जब वो खुश हुए, पर मैंने उनको बोला कि मेरा भी फाइन आर्ट से ताल्लुक़ तो है, बट आई एम अ सिंगर एंड क्वालिफाइड सिंगर। सो उन्होंने जो रिसेप्शन पे जो अरब ऑफिशल्स थी, उन्होंने रेस्पॉन्स किया। इवन यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने भी बहुत जो है रेस्पॉन्स किया। उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि आपने इजाज़त ली है। अच्छा, मैंने इजाज़त ली थी वहाँ पे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कवर करना चाह रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं विज़िटर हूँ। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि तस्वीरें निकालें, भले बेशक आप जो है वो वीडियोज़ बनाएं, बट फ्लैश का यूज़ ना करें। सो हेयर, जब भी आप आएंगे इधर तो आप फ्लैश को यूज़ नहीं करेंगे। और आप देखें मतलब यकीन जाने, ये आप जो सामने देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्या आर्ट है, मतलब क्या कला है। चले एंजॉय करते हैं, देखते हैं। ये रहा वो शाहकार, ये जस्ट लाइक वो मतलब आई थिंक ये जो है एंशंट दौर की, ये जो बिल्ली है और नीचे उसके कोई आई थिंक कोई और जानवर है, ये इस पे तारीख तो है। पर मुझे लगता है कि ये जो है इजिप्ट से बिलोंग करता है ना, ये कैट जो है। सो देखें, एंजॉय करें, सपोर्ट करें। आर्किटेक्ट देखें भाई, नेक्स्ट लेवल। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे सिर्फ दो गैलरीज हैं। नीचे ये एक नंबर है,
जब आप ऊपर आएंगे, ये देखें 3D जो है, ये हाथ की बनाई हुई पेंटिंग है। ये मुख्तलिफ आर्टिस्ट की मुख्तलिफ जो है ना, ये कोई अरब और जो है लीडर हैं उनकी है, मुझे नहीं पता। अगर कोई जानते हैं तो इन कमेंट जो है आप लेट मी नो इन कमेंट। कलर कॉम्बिनेशन देखें, माशाल्लाह। आई डोंट नो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता यकीनन, पर ये बहुत ही शानदार पेंटिंग है जिसने भी बनाई है। और अच्छा, जिसने भी यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी, मतलब ऐसे नहीं है, बहुत पुरानी है। काफ़ी सारी जो 80s की हैं, 70s की हैं। साइड में एक वो लगा हुआ है आर्टिस्ट के थ्रू, उनका इंट्रोडक्शन लगा हुआ है आर्टिस्ट का, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ जो है उनकी जो डेथ है वो आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है। ये एक नंबर गैलरी है, बहुत ही शानदार। इसमें तो कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आप देखेंगे यकीनन हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे ये बस अचानक से आपसे बात करना शुरू हो जाएगी। आप एक आर्टिस्ट की नज़र से, एक कदरदान की नज़र से देखें, ये देखें माशाल्लाह। अब ये देखिए, ये आर्टिस्ट समझ सकते हैं कि एक लेडीज है और उनके मुंह पे जो है वो लगा हुआ है ना एक पर्दा, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये आ गई, दूसरा रूम है, ये उसी एक ही गैलरी में बहुत सारे रूम्स हैं। आर्किटेक्ट देखें, ये पूरा जो है अरब दर्स पे बना हुआ है, आपको पसंद आएगा। हर रूम का एक अपना थीम है, अपना चाम है, अपना जो है एक जो है ना एक असर है जो आपके रूह पे, आपके जहन पे तारी हो जाता है। यकीनन आप जब आएंगे यहाँ पे, तो जो समझते हैं पेंटिंग्स को, जो लोग समझते हैं आर्ट को, वो देखेंगे कि क्या मतलब, क्या खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। काफ़ी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो एम्बोस, मतलब एम्बोस होता है, जस्ट लाइक दिस पेंटिंग, ये इजिप्ट से बिलोंग करती है। देखिए ये एम्बोस्ड है पूरी, ये बाहर उभरी हुई है। ये वाला देखें, ये गुलेल है, ये फ़लस्तीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये फ़लस्तीन का। ये देखिए मतलब बहुत ही खूबसूरत शानदार कलर्स की कॉम्बिनेशन है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, और दूसरी बात, अच्छा बहुत ही सेंट्रल एयर कंडीशन, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्ट, बहुत ही मतलब प्यारा सुकून वाला माहौल है, बहुत ही सुकून है यहाँ पे। आप घूमें, एक तस्वीर के सामने खड़े हो जाएं, उसकी डिटेल्स देखें, उसके बारे में सोचें कि आर्टिस्ट ने क्या सोच के इसको बनाया है। तो देखते हैं आगे चलें। ये वाली तस्वीर जब मैंने देखी, भैया ये तो म्यूज़िक को प्रमोट कर रही हैं, ये लेडीज़ हैं जो एक सिंगर हैं, पीछे म्यूजिशंस हैं। ये किसी इवेंट का मतलब जो है पस मंज़र, मतलब जो है उसका कैद किया गया है। ये एक रोमांटिक पेंटिंग है और पेंटर का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। इसके बाद वाली पेंटिंग देखिएगा, वाह जी वाह, आर्ट वर्क। एक पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, सब पेंटिंग्स जो है ना, ये कोई आई थिंक कोई मूर्ति है या कुछ है, मतलब जो है ना कहीं से डिस्कवर हुई होगी, तो मुझे इतना नहीं पता। ये देखिए पीछे से लग रहा है कि किसी चीज़ की कोई मूर्ति बनी हुई है, पर ये बहुत ही खूबसूरत जो है बनी हुई है, जैसे वो स्टोन एज है इंग्लैंड में, इस टाइप का कलर्स। ओ हो हो हो, इतनी बड़ी पेंटिंग बाबा, देखें बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा डिटेल है। ये हॉर्सेस की है, मतलब शेडोज हैं उसमें, क्या आर्टिस्ट है, मतलब माशाल्लाह। शारजा यूएई आर्ट का बहुत कदर करता है, आर्टिस्ट की बहुत वैल्यू है और अपने कल्चर से अरब्स बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत की अपनी कल्चर से और अपने अपने लोगों से और दूसरे टूरिस्ट से मोहब्बत, अपनी कंट्री से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत का ऐसा शानदार मिसाल दिया है कि पूरी दुनिया
पूरी दुनिया दुबई, यूएई, अबू धाबी, फुजेरा, रासल खेमा, अजमान, उमल कयूम में सेटल हो रही है। डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे है। जो भी और भी यहाँ पर रियासतें हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा अजमान का, ये देखिए ये पूरा काम जो है वो कारपेट पे बना हुआ है। ये कारपेट की जो है पूरी मतलब कारपेट पे बना हुआ है। दिस इज़ आल्सो, ये एक गांव का मंजर है जहाँ पर लेडीज़ और बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, कुछ जो है डाई कर रही हैं कपड़ों को। ये परिंदे हैं पेड़ों में, और जो है पाम ट्रीज़ हैं, मतलब जो है ना खजूरों के दरख्त हैं। तो देखें कल्चर जो है ना इनके अंदर अपना कल्चर समाया हुआ है, मतलब अपने कल्चर को बहुत प्यार करते हैं। ये आर्ट वर्क है पूरा कारपेट पे। चलिए आगे देखते चलते हैं। वो मेरी ये वीडियो लंबी तो हैं बेशक, जो है मैं यकीन जाने कि और भी ये मैं जल्दी जल्दी आपको जो है फास्ट फास्ट में कोई तस्करा नहीं कर पा रहा इसके ऊपर। ये देखिए ये अजीब अजीब नेक्स्ट लेवल है। ये देखिए वाह जी वाह माशाल्लाह, इतनी सारी ये डिज़र्ट है, मतलब रमल है, सहरा है वहाँ का, ये भी मतलब जो है। अच्छा, इन पेंटिंग्स को अगर आर्टिस्ट देखेंगे तो यकीनन वो जो है इस चीज़ से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो समझेंगे कि क्या आर्टिस्ट उसमें पेंटर क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली ना, पेंटिंग के थ्रू अपना कौन सा मैसेज जो है एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एक शाहकार बनाया हुआ है घोड़े का, उसके ऊपर एक शेडो का, मतलब देख लें एक अरब बैठा हुआ है। ये भी कमाल है, मतलब कभी बहुत आपको खूबसूरत लगेगा, कभी थोड़ा आपको ना अचरज में डाल देगा। ये भी पेंटिंग है देखें। ओ हो 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 माशाल्लाह, ये अब ये है कि ये सब की सब जो है, मैं बड़ा खुद को खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और मैं जो है वहाँ पे हेरिटेज उसमें म्यूज़ियम में भी गया था, उसको भी अपलोड करेंगे। वहाँ पे तस्वीर लेना जो है ममनू नहीं है, पर जो है वीडियोस ममनू हैं। तो मैं उस किले का जो है, मैं जब शारजा में था 2007 और 2010 में, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं जाऊँ। अब जो है वो एज ए टूरिस्ट जब आया हूँ, एक्सप्लोरर आया हूँ जब यहाँ पे, तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे विज़िट किया, मैंने देखा। और यहाँ पे फॉरेनर्स जो है वो थे यहाँ पर विज़िट कर रहे थे, लोकल्स भी थे यहाँ पे, अरब्स जो हैं जिनकी जॉब है यहाँ पे गवर्नमेंट की। चले देखते हैं जी, देखते हैं अभी आगे। ये माशाल्लाह एक प्लेट नुमा चीज़ है जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पेंटिंग है। ये भी जस्ट लाइक एल्यूजन कह लें, इस टाइप की पेंटिंग्स हैं। भाई हमारा इतना तजुर्बा नहीं व्लॉग का, तो बस डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें फेसबुक पे, हमारा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं मुख्तलिफ, उनको लाजिम जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, एटलीस्ट उसमें दिल भेज दें, मतलब जो है ना। और कोई रहनुमाई आप मेरी करना चाहें, ये रही पेंटिंग, मुझे बहुत पसंद आई ये पेंटिंग। एक्चुअली यहाँ पर बता रही है कि जो पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियन जो है वो यहाँ पे कैसे रहते थे। तो अभी भी इस टाइप की डबल बेड जो होती हैं वो हैं, यह है बीच का एरिया है, शायद वो मनाजर हैं उसके। चले जी, ये है बहुत ही खूबसूरत आलीशान गेट। आर्किटेक्ट नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये बिल्डिंग जो बनी हुई है ना। अब ये हम दूसरे सेक्शन में आ गए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट था। इस पेंटिंग ने, यहाँ पे हर पेंटिंग ने, स्पेशली दिस वन, ये देखें, मतलब ऐसा लग रहा था ये जो ब्लैक ड्रेस में है ये बस बात करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, और पीछे जो है हुजूम है लोगों का, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं अंदर किले नुमा एक जगह पे। और इसके आर्टिस्ट की यहाँ पे पूरी डिटेल्स लगी हुई हैं कि किसने बनाया, कब बनाया, ये जो है उसकी ओवरऑल, ये भी उनकी ही, ये गैल जो है वो एक ही आर्टिस्ट की है। ये देखें यार कितनी डिटेल है, मतलब पीछे लोग बने हुए हैं,
और ये गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड का जो है फ्रेम है, ये देखें, ये प्यार देखें अपने कल्चर से, ये देखें मतलब कैसे संभाला हुआ है अपने हेरिटेज को, अपने आर्टिस्ट की कितनी कदर है, मतलब आप देखें मतलब आर्टिस्ट की बहुत कदर है यहाँ पे बहुत। और इस वजह से, और ये एक हजरत है, मैंने पोर्ट्रेट मूड पे आ गया था, इनकी पूरी जो है एक नाम भी है उनका वहाँ पे लिखा हुआ प्लेट, और उनकी ये तस्वीर बनी हुई है, ये आई थिंक 80s की, 80s 17 या 80s 20s की जो है, 80s 20s की मतलब ये पेंटिंग्स हैं, ये बिलोंग करती थी वहाँ से। और ये सब पेंटिंग्स जो हैं ये समझ लें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स हैं, मतलब ये कोई आम काम नहीं है, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही। दिस वन, ये भाई मिट्टी का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है फ्रेम में जो है, ये मिट्टी का थोड़ा डिटेल में देखें, ये मिट्टी है और आर्टिस्ट ने कहीं कहीं पे वेंटिलेशन का दिया, देखें इसमें जो है ये भी मिट्टी का बना हुआ है और इसमें खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये जो है बैक साइड जो है वो दीवार नज़र आ रही है उससे, नेक्स्ट लेवल। इसमें एक डोरी सी बंधी हुई है जो चारपाई पे बांधते हैं, अब आए हैं मतलब नो आइडिया पर्टिकुलर नाम क्या होता है, सिंधी में तो हम वाण बोलते हैं, वाण बना हुआ है उधर, ये भी एक शानदार जो है शाहकार है आर्टिस्ट का, मिट्टी से बना हुआ है ये वाला। तो ये कोई बड़े जो है दिल को तकलीफ देने वाले मनाजिर हैं ये वाली पेंटिंग, यहाँ पे उनके पूरे जो है पूरा जो है वहाँ पे, अब मैं लाजिम खुद तो दिखाऊंगा वीडियो में, देखें मुझे, और मेरा तो बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत वो रहा, एक्सपीरियंस रहा। और ये देखिए, ये बड़ी एल्यूजन वाली मतलब हैं, आप परेशान हो जाएंगे, मतलब कान बंद कर रही हैं, क्या है मुंह बंद कर रही हैं, आप फिर से उसको देखेंगे कुछ और नज़र आएगा, मतलब क्या शानदार शानदार। हर चीज़ आर्ट का मुंह बोलता सबूत है, वो खुद ही बता रही होती हैं कि भाई लेवल है लेवल। चलें जी, अब लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।